नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 Reader Publication। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करेंगे जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से कुछ एक बड़ी अपडेट आ रही है आप सभी कैंडिडेट के लिए TGT रिक्रूटमेंट को लेकर। इसके अलावा CET में जो मैक्सिमम कैंडिडेट का मौका जो बन रहा है मेंस एग्ज़ाम देने के लिए उसको लेकर, इसके अलावा जो आपका हरियाणा पुलिस के दोबारा से एक बायोमेट्रिक लिस्ट जारी की है उसको लेकर, इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को जिन्होंने क्लेम किया था उन्होंने लगभग कितने कैंडिडेट ने इसको विड्रॉ किया उसको लेकर अगर इंटरेस्टेड हैं वीडियो को देख सकते हो। तो साथ ही पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लिखित परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले सामाजिक आर्थिक अंक लेने वाले उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक। देखिए, TGT की भर्ती हुई, रिटर्न एग्जाम हुआ, जिन कैंडिडेट ने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स को क्लेम किया था उनकी लिस्ट सार्वजनिक की गई। उनको बोला गया कि जो अपने मार्क्स विड्रॉ कराना चाहता है वो करा सकता है। तो जो आंकड़ा निकल कर सामने आया, आप हैरान होंगे, लगभग 10,000 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने जो है TGT अलग अलग डिफरेंट पोस्ट के लिए, रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात कैडर के लिए अपने सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स का जो दावा है वो क्या किया है, विड्रॉ किया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि भी TGT उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी न होने के अंक लेने के योग्य उम्मीदवारों को दोबारा मौका देगा, दोबारा एक बार फिर इसमें मौका मिल सकता है। जहाँ तक CET की बात है, पदों की कैटेगरी अनुसार 3 से 5 गुना तक उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आपकी जनरल कैटेगरी में 500 वैकेंसी है तो 5 गुना तक कैंडिडेट को उसमें बुलाया जा सकता है। और TGT उम्मीदवारों को सरकारी सेवा न होने के 5 अंक देने का मौका मिलेगा। खत्री, अब भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि TGT पदों के लिए उम्मीदवारों ने जब आवेदन किया था तो आयोग की हिंदी और अंग्रेजी वाक्यों में गलती के कारण कुछ उम्मीदवार सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक का लाभ नहीं ले पाए, तो क्या उन्हें अब मौका मिलेगा। अध्यक्ष ने कहा कि आयोग किसी भी उम्मीदवार की पारदर्शिता मेरिट में बाधक नहीं बनेगा, इसलिए आयोग इनको मौका देगा। और जहाँ तक CET की मैं बता रहा हूँ कि 3 से 5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। और जहाँ तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल और फीमेल की बात है, यहाँ पर जो शेष अभ्यर्थी हैं उनको बायोमेट्रिक के लिए मौका दिया गया है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि हरियाणा पुलिस के पुरुष और महिला सिपाही के चयनित जिन उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक का मिलान नहीं हो पाया था उन्हें दोबारा बायोमेट्रिक मिलान का मौका दिया गया। महिला सिपाही उम्मीदवार 13 जून को आयोग पहुँचेंगी जबकि पुरुष 14 और 15 जून को पहुँचेंगे। उन्होंने बताया कि लगभग 900 उम्मीदवारों का बायोमेट्रिक मिलान रहता है, उनका मिलान पुराने CCTV फुटेज या फोटो के साथ किया जाएगा। यानी कि अभी भी 900 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मैच नहीं हुई है, जिनका रोल नंबर नहीं आया है, उनका मैच सब कुछ हो चुका है। तो ये भी उनके लिए एक थोड़ा सा राहत भरी खबर है। तो फ्रेंड्स, कुछ एक अपडेट थी जो आपको देनी थी आज की वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।